दोस्तों आखिर अंकिता लोखंडे ने यहाँ पर मीडिया वालों के सामने आकर ये बता ही दिया कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ थी, आखिर वो इतने दिनों तक मीडिया वालों के सामने क्यों नहीं आई। आपको बता दें कि जब आप सब इस खबर को सुनेंगे, जब आप सबको ये पता चलेगा कि आखिर अंकिता लोखंडे इतने दिनों तक कहाँ थी और मीडिया के सामने क्यों नहीं आई थी, तो आप सब भी इस खबर को सुनकर हमें ये ज़रूर बताएं कि अंकिता लोखंडे जो कुछ कह रही है क्या वो सच कह रही है या फिर झूठ कह रही है। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर क्या बताया है अंकिता ने अब तक सबसे पहले इंटरव्यू में, वो भी बिग बॉस हैमिल्टन के घर के बाहर आने के बाद। चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं हम आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें बिग बॉस हैमिल्टन से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता देंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस हैमिल्टन का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और अंकिता लोखंडे इसमें हार चुकी हैं और मुनव्वर फारूकी विनर बन चुके हैं। लेकिन अंकिता लोखंडे ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो बिग बॉस हैमिल्टन के घर से हार कर बाहर निकलेगी। इतना नहीं, अंकिता लोखंडे तो वहां पर घर में टॉप 2 में नहीं, 3 में नहीं, सीधा टॉप 4 में पहुंची थी, जिसके बाद अंकिता लोखंडे का मुंह देखने वाला हो गया था। जैसे ही बिग बॉस 17 खत्म हुआ और जैसे ही सभी कंटेस्टेंट बाहर हुए तो सारे कंटेस्टेंट मीडिया वालों के सामने जाकर इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन बात करें अंकिता लोखंडे की तो अंकिता लोखंडे मीडिया वालों के सामने आई ही नहीं और चुपचाप सीधे गायब हो गई। और जब इतने दिनों के बाद अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू हुआ और जब मीडिया वालों ने अंकिता लोखंडे से इस पहले ही इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी और सारे कंटेस्टेंट इंटरव्यू दे रहे थे तो आप क्यों नहीं आए सामने, तो अंकिता लोखंडे ने आगे से ये कहा कि जब बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा था तो उसके पहले लगभग 4 दिन तक हम लगातार शूटिंग कर रहे थे, दिन रात हम मेहनत कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसीलिए मैं मीडिया वालों के सामने नहीं आई और लोग इसका कुछ और ही मतलब बना रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंकिता सही कह रही है या फिर गलत, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।